हेलो डियर स्टूडेंट टॉपर्स कोचिंग क्लास के इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सीरीज में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव का एग्जांपल नंबर सेवन डिस्कस करेंगे तो चलिए डिस्कस करते हमें दिया गया है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा और इज इक्वल टू टैन थीटा हमें इन सारे टर्म्स की वैल्यू का आंसर लाना है चलिए सबसे पहले जब आप लोग इस एग्जाम्पल को देखते हो तो यहाँ पे आपको साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा नजर आ रहा है और यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा नजर आ रहा है तो सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जर्वेशन आपका ये होगा कि इन दोनों में से अगर मैंने साइन थीटा को कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से भी हम लोग कॉस थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं तो सबसे पहले इस क्यूब के टर्म को देखने के बाद आपका सबसे पहला डिसीजन होगा कि भाई इसमें से कॉस थीटा डिनोमीटर में और न्यूमरेटर में साइन थीटा को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ एल एच एस सो इट विल बी साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय टू कॉसक्यूब थीटा माइनस कॉस् थीटा ओके तो इतना तो हो गया तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि न्यूमरेटर में मैं साइन थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ डिनोमीटर में थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे मैं साइन थीटा अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो, तो ब्रैकेट में रहेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ओके और डिनोमीटर में यहाँ पे होगा कॉस थीटा अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इस तरीके से पहला काम यहाँ पे हो चुका है तो यहाँ पे देखिए भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसकी वैल्यू तो टैन थीटा आती है तो इस इट विल बिकम टेन थीटा है ना सो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन यहाँ तक तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो चुका है तो जो प्रूफ करना है हमें उसका प्रूफ है कि हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए टेन थीटा जो कि हमें यहाँ मिल गई तो ये दोनों कैंसिल कैसे हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे आपको लगाना होगा तो भाई देखो यहाँ पे है वन माइनस टू साइन स्क्वायेर थीटा और यहाँ पे है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और इनको कैंसिल कर देना है हमें हमें चाहिए सिर्फ टेन थीटा जो कि ऑलरेडी हमें मिल चुका है तो ये दोनों टर्म को कैंसिल कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए हमें आइडेंटिटी का ही यहाँ पे सिप यूज़ करना है वी नो दैट हमें एक आइडेंटिटी पता है है ना वी नो दैट क्या पता है हमें आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायेर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो जाता है वी नो दिस आइडेंटिटी तो बस इस वन पे है ना ये जो वन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर उसकी जगह पर हम लोग ये लिख देंगे तो बस भाई ये दोनों ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे तो चलिए देखते कैंसिल हो रहे या नहीं लेट्स हैव अ लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो भाई टैन थीटा जो हमें चाहिए ऑलरेडी मिल चुका है न्यूमरेटर में अभी इस वन की जगह पे मैं लिख देता हूँ वहां पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद में थे यहाँ पे माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया डिवाइडेड बाय ओके तो ये तो मल्टीप्लीकेशन में है डिवाइडेड बाय यहाँ पे है टू कॉसक्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन तो वन की वैल्यू तो ये है भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अभी यहाँ पे माइनस वन है तो ये दोनों टर्म निगेटिव हो जाएगी माइनस वन की वैल्यू यानी कि माइनस साइन स्क्वायेर थीटा माइनस कॉस तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओके तो इतना लिखने के बाद अभी थोड़ा सा चलो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं सो इट विल बी टेन थीटा तो यहाँ पे देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा हो जाएगा ये और ये तो कॉस स्क्वायर थीटा है ही तो इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया न्योमेटर डिनोमेटर में भी देखते टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है ही साइन स्क्वायर थीटा है ना साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ए नहीं चाहिए यहाँ पर थीटा चाहिए ओके okay, तो देखो यहाँ पे हमें दो ब्रैकेट सेम मिल गई जिसको कि हम लोग ईजिली कैंसिल कर सकते हैं और हमें जो चाहिए था टैन थीटा वो हमें यहाँ पे मिल गया है विच इज़ द आर एच एस ऑफ द प्रूफ है ना इंटरेस्टिंग तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही लॉजिक को सिर्फ ठीक से समझना है इस क्यूब को देखने के बाद आप लोग डिसाइड करोगे कि साइन थीटा कॉमन निकालना है साइन थीटा कॉमन निकालने के बाद अपॉन कॉस्ट तो यहाँ पे टैन थीटा आपको यही मिल जाएगा तो आपके सामने ये ऑप्शन होगा कि इन दोनों को अभी कैसे कैंसिल कर सकते हैं इनको कैंसिल करना है इन दोनों जगह पे सेम वैल्यू आनी चाहिए तो उसके लिए लॉजिक आपको ये ठीक से समझना है दिस लॉजिक इज इम्पोर्टेंट कि जहाँ पे भी वन है इन दोनों इक्वेशंस में तो वहाँ पे आप लोग पुटअप कीजिए साइंस स्क्वायेर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन इस आइडेंटिटी का कंक्लूजन तो यहाँ पे आप लोग पुटअप करोगे तो साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो यहाँ पे आप लोग एक बात को भी आपको ठीक से समझना है माइनस वन की जगह पे जब आप लोग वैल्यू बुटअप करोगे ना तो यहाँ पे इनका साइन चेंज करना ना भूलिए आपने सिंपली यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है वेदर या फिर आप लोग उसको ब्रैकेट में लिखो जिससे कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू बुटअप करते समय आपकी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक से यहाँ पे वैल्यू आपको पुटअप करना है तो बस ये ऐसा करने के बाद जब आप लोग इसको सिंपलीफाई करोगे दोनों ब्रैकेट सेम मिलेगी कैंसिल कर दो आंसर मिल जाएगा टाइम टेस्ट दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सेवन आई होप कि आप लोगों ने इसका सोल्यूशन ठीक से समझ लिया है